और एक कंपनी है द लिम्पोपोस, इसके वो आप तीन दोस्त की जो कंपनी है, जो तीन दोस्त की हमारी कंपनी है, उसके रिगार्डिंग एक वेब सीरीज बन रही है जो आपके साथ है, जॉइंट फिल्म्स। ये बात आपको एक अनाउंस करनी थी हम लोग को कि जॉइंट फिल्म्स प्रोडक्शंस इन लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि ये लोग इतने टैलेंटेड हैं, एक वेब सीरीज का प्लान बना। ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि बहुत सारी बात जो आपके फैंस नहीं जान पाए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोग जानना चाहते हैं, उसको लेकर हम लोग एक स्टोरी बना रहे हैं और उस पर वेब सीरीज बनाएंगे जो बहुत जल्दी आपको देखने को, वेब सीरीज के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। Hi, what's up everyone? It's me, Mr. Faisu 07 and welcome to Joint Films. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Okay, तो ये जो TikTok है, ये क्या है? किस तरह से शुरुआत हुई? TikTok को शुरुआत करके तो मुझे 2.5 साल हो गए हैं। Okay, हाँ, बहुत स्ट्रगल था शुरू में, बट अभी बहुत अच्छा लगता है करने में। ये जैसे 15 सेकंड की वीडियोस बनाना पड़ता है, 15 हो गया, 30 सेकंड का वीडियो हो गया, तो उसमें डब करना पड़ता है। Okay, जो साउंड होता है, तो वही बस कर रहे हैं। तो वो करते करते इतनी आसानी से इतनी दूर निकल आओगे ऐसा सोचा था? नहीं, ये तो नहीं सोचा था सर, जरा भी नहीं सोचा था जरा भी। और ये स्टार्ट में हम लोग को अच्छा लग रहा था यूज़ करने में ये, अभी मतलब इसको हम लोग ने एकदम प्रोफेशनली ले चुके हैं, तो अब जैसे सॉन्ग्स होते हैं ये सब होता है, तो ये सब ज़्यादा करके अलग वे में बना रहे हैं हम लोग कि लोगों को अच्छा लगे। Okay, लोगों को अच्छा लगे तो लोगों, हम लोग को देखते देखते बहुत सारे लोग ने TikTok ज्वाइन किए। ओके, गए तो लोगों को अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि अब 10 मिलियन हो चुके हैं, लाखों की तादाद में रोज बढ़ रहे हैं। तो ये जो इतना अच्छा लग रहे हो आप सबको, इसको देख के आपको कितना अच्छा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना आगे तक आ सकते हैं। ओके, अभी सिर्फ 24 साल की उम्र है इनकी और 10 लाख फॉलोअर्स हैं, ऐसा बहुत कम हो पाता है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा फैजू कि जब आप शुरू में बना रहे थे तो क्या वाकई सीरियसली सोचा था कि ये जरा भी नहीं, जरा हो जाएगा? जरा भी नहीं सोचे थे सर कि हम लोग को इतना आगे चल गए, इतना फेम मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा लोगों का, जरा भी नहीं सोचे थे। बट बहुत अच्छा लग रहा है अभी कि इतना फेम आ गया है, ये आ गया है। पहला वीडियो कैसे बना और कब बना? पहला वीडियो मेरा ये था, तू आती है सीने में, तो मैंने उसे ट्रांजिशन वीडियो बनाया था उस टाइम पे। ओके, मुझे आज भी याद है मैंने कैसे कैसे ट्रांजिशन किया था, मैंने घर के नीचे ही बनाया था उस चीज। ओके, जब बना के पहली बार पब्लिश किया, कैसी उथल पुथल चल रही थी अंदर? लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे? बहुत अच्छा लग रहा था। वो फर्स्ट टाइम था मेरा कि मेरे को 600 लाइक्स आई थी। ओके, हाँ, तो वो वक्त ही अलग था जब के लोगों को मैं देखता था कि 64,000 लाइक, 500K लाइक्स, मतलब इतना कैसे लाइक आती है किसी को? आज मतलब सोचता हूँ मैं वो टाइम की बात में कि मतलब हाँ, लाइक्स क्यों आती थी और किस लिए आती थी। ओके, तो जब आप बनाते थे तब आप अपनी मस्ती की बनाते थे, मस्ती में बहुत अपनी चीजों को जो अच्छा लगता था वो बनाते थे। हाँ, लेकिन आज जब आप सक्सेसफुल हो, फॉलोअर्स की एक उम्मीद होती है कि आप कुछ अच्छा क्रिएट करें, रोज नई उम्मीद होती है, तो अब आप उनकी पसंद को ध्यान में रखते हो? बराबर, मैं उनकी पसंद पे ध्यान रखते हुए कि आज पूरे इंडिया में इतना अपडेट कोई नहीं देता है जितना मैं देता हूँ। मैं एक दिन में 13 से 14 वीडियोस बनाता हूँ। ओह ग्रेट, 13 to 14 वीडियोस, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी वायरल होती है। और लोगों का कहना भी ये है कि मतलब हमारी वीडियो क्यों नहीं वायरल हो रही है, टिकटॉक वालों प्लीज़ हमारी भी वीडियो वायरल करो, फैजू की क्यों वायरल हो रही है? तो मुझे तो लोगों से यही कहना है कि आप भी वैसा कंटेंट रेडी करो और बनाओ, तो आप लोगों की भी वायरल होगी। ठीक है, तो कैसा कंटेंट बनाए? कॉमेडी कंटेंट, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए वो ज़्यादा तुम बनाओ। अभी बीच में सीजन चल रहा था रोमांटिक कंटेंट का, लव कंटेंट का, तो वो भी चल रहा था, तो वो उसमें भी हम थे। अभी कॉमेडी कंटेंट चल रहा है, तो अभी कॉमेडी कंटेंट भी बनाया जा रहा है। ओके, तो मतलब पहले आप नजर रखते हो कि ऑडियंस किस तरह के कंटेंट पे ज्यादा जा रही है, फोकस कर रही है, आप वो कंटेंट क्रिएट करते हो। यानी कि सिंपल सी बात है कि वो डिमांड सप्लाई का खेल है, बस कि जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है उसके हिसाब से आप कंटेंट रेडी। और हमारे फैंस का तो मतलब हम जैसे टीम 07 हम लोग 5 जन है, तो उसमें ये कहना चाहूंगा कि जो हम लोगों के फैंस है ना, उसमें गर्ल्स फैन फॉलोइंग में ना गर्ल्स कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है हम लोगों को लेके। अच्छा, हाँ, कि मतलब कोई लड़की के साथ में वीडियो मत बनाओ। अच्छा, हाँ, प्रेशर भी है। तो ये तो फैंस कह सकते हैं, उनकी ख्वाहिश है और वो इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी। लेकिन पहले जब आप कंटेंट बनाते थे और अब जब कंटेंट बनाते हो तो ज्यादा जिम्मेदारी है, तो कई बार प्रेशर फील करते हो? बहुत बहुत सर, बहुत फील करते हैं। ऐसा हो जाता है कि सुबह के 6 बज जाते हैं कंटेंट ढूंढते ढूंढते, कि मतलब आज क्या बनाना है, अगर कुछ निकाला नहीं तो मैं कल क्या बनाऊंगा, कल क्या दिखाऊंगा फैंस लोग को, ये हो जाता है। सुबह 6 बज जाते हैं, फिर 9 बजे उठ जाते हैं, नाश्ता वाश्ता करके वीडियो बनाए बाहर आओ। इंडोर वीडियो और आउटडोर वीडियो में बहुत फ़र्क पड़ता है, आउटडोर वीडियो में ज़्यादा लाइक्स आते हैं और वो अच्छा, वो कंटेंट भी अच्छा रेडी होता है जब बाहर वीडियो बनती है। तो अंदर घर पर भी बनाना पड़ता है, बाहर भी बनाना पड़ता है। ओके, पहले जब आप बनाते थे आपने कहा मस्ती मस्ती बना, बहुत
तब टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज नहीं थी, लेकिन क्या अब आपने अपने आप को अपडेट किया क्वालिटी वाइज? बहुत बहुत सर, बहुत। अभी सब प्रोफेशनल वे में हो गया, सारी चीज़ें प्रोफेशनली हो चुकी है। पहले तो जहाँ मिलती थी, जो जगह मिलती थी, चलो कंटेंट है क्या है बताओ, बनाएंगे, चलो बनाएंगे। और अब ऐसा हो गया है कि मतलब कि उसका लोकेशन अच्छा होना चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ओके, मैंने एक यूट्यूब पे भी वीडियो बनाया था, क्या हुआ तेरा वादा। हम लोगों की सिर्फ यूट्यूब पे 5 वीडियो है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना यूट्यूब पे फास्ट इंगेजमेंट किसी का भी नहीं देखे हम लोगों ने। हम लोग की सिर्फ 5 वीडियो में यूट्यूब पे हमारे 1M सब्सक्राइबर है अकी फोटोग्राफी से। अरे वाह, मतलब वहाँ भी आपने छक्का मार दिया। हाँ। वेरी गुड। तो अभी आपने बताया आपकी 5 लोगों की टीम है, तो कभी ऐसा कोई क्रिएटिव क्लैश होता है जब आप वीडियो क्रिएट करने वाले हो कि यार ये चलेगा ये नहीं चलेगा? नहीं नहीं सर, जो कंटेंट हमको मिल जाता है वो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि मतलब ये चलना ही चाहिए और हम लोग पीछे नहीं हटते कोई कंटेंट से। जो कंटेंट मिलता है वो बनाते ही है, वो वायरल होता है। ओके, मेन बात क्या फोकस करते हो कंटेंट की क्वालिटी से? मतलब कि इसमें कॉमेडी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए? कॉमेडी तो ज्यादा चलता है, पे ज्यादा जाते हैं, कॉमेडी ज्यादा चलता है, कॉमेडी ज्यादा चलता है। तो ये बात तो एक राज इन्होंने बता दिया कि कॉमेडी पे आप लोग ज्यादा काम करिए अगर आपको हिट होना है तो, और इसी तरह से दिल से कंटेंट बनाएंगे। जब शुरुआत में आप कर रहे थे तो घर वाले परेशान नहीं थे? क्या करते हैं ये 4-5 वीडियो बनाते हैं दिन भर में और कोई काम नहीं कर रहा? ये तो था ही, मगर मैं उस वक्त में काम भी करता था। ओके, क्या काम करते थे? गारमेंट्स का, डैडी के साथ में। मैं अपने को भी टाइम देता था, डैडी को भी टाइम देता था, और हालांकि कॉलेज को भी टाइम देता था। मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुका है, अभी मेरा MBA का प्लान है, तो अभी मैं MBA करने सोच रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ कि घर में से किसी ने बोला कि नहीं ये सब बंद करो? मम्मी क्या बोली? बंद कर दो ये सब, क्या कर रहे हो, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है करने की, मत करो ये सब, कोई कुछ नहीं है, आगे चल के कुछ नहीं होगा, कोई इसमें फील्ड नहीं है, ये क्या है इस। लेकिन आपको भी तो इतना नहीं मालूम था कि इसमें कुछ हो सकता है? बस मुझे लोगों का प्यार दिखता था, मुझे फैन फॉलोइंग इतनी पसंद थी ना कि मैं थोड़ा घर वालों को बोलता था हाँ हाँ करूँगा करूँगा, मगर मैं फैंस लोग पे ज़्यादा ध्यान देता था उस वक्त पे। किसी भी कलाकार के लिए क्या होता है कि एक्सप्रेशन और एप्रिसिएशन दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब एप्रिसिएशन मिलता है, इस दुनिया में सभी लोग सभी काम एप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं कि कोई उनको अप्रिशिएट करे, तो वो जब मिल जाए तो कौन छोड़ता है। आज जब आप इसको कमर्शियली प्रोफेशनली यूज कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है ये वाकई एक करियर अपॉर्चुनिटी है? इस चीज से तो नहीं है, टिकटॉक से तो कोई करियर नहीं है, बट हाँ ये आप अगर टिकटॉक पे फेम आ रहा है आपको, ये इतना लोग पूछ रहे हैं जान रहे हैं, तो इतना है कि आपको अच्छे से अच्छी सॉन्ग के लिए आपको स्पॉन्सरशिप के लिए, प्रमोशन के लिए अच्छे अच्छे से अच्छी जगह पे आपको पूछा जाएगा। तो कैसे प्रमोट करते हो? अगर मान लो टिकटॉक पे आप फेमस हो और कोई कंटेंट आपको दिया गया है पब्लिश करने के लिए, प्रमोट करते हो, किस तरीके से करते हो आप? जैसा सॉन्ग होगा, सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, वो हिसाब से बनाया करके आप उसपे वीडियो पब्लिश कर देते हो। ओके, अभी तक कितने गाने आप कर चुके हो प्रमोट? 10-11। और फिर जब प्रमोट करते हो तब आपके पास लिमिटेशन होती है, तो फैंस का क्या रिएक्शन होता है? लिमिटेशन जैसे फैंस लोग के जो नहीं, अब देखिए पहले आप वो कंटेंट बनाते थे जो आपको अच्छा लगता था, फैंस को अच्छा लगता है। अब आपको एक गाना मिल गया है किसी का, वो शायद आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है उतना आपको नहीं मालूम, आप प्रमोट कर रहे हो, तब क्या कभी ऑडियंस का कोई रिएक्शन आया? क्या है? जैसे रोमांटिक है तो ऑडियंस में गर्ल्स फैन फॉलोइंग थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है, तो बोलते क्यों लड़की से दूर रहो, ये मत करो वो मत करो, ये तो लगा ही रहता है। तो भी मतलब मैं ऐसा कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ कि मतलब फैन फॉलोइंग पे भी इतना मतलब फर्क ना पड़े और लोगों को अच्छा भी लगे कंटेंट, और चीप कंटेंट नहीं बनाते हम लोग। अभी चीप कंटेंट एकदम बनाना छोड़ दिए, पहले तो चलो थोड़ा मस्ती मजाक होता ही रहता था, बाकी अब एकदम प्रोफेशनली वे में लेते हैं। अब जब सब कुछ सही चल रहा है, मिलियंस फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, तब घर वाले क्या कहते हैं? अब घर वाले कुछ नहीं कहते, घर वालों को अच्छा लग रहा है, लोग इतना पूछ रहे हैं जान रहे हैं। यहाँ ऐसे रहता है ना, एक रिश्तेदारों का फोन आता है, अरे आपका लड़का ये, अरे आपका लड़का वो, तो घर वाले भी बहुत खुश है। तो अब जब आप कहीं जाते हो भीड़ लग जाती है, तो अब शॉप का क्या हाल होता है? शॉप का? हाँ। शॉप का, शॉप वालों का, हर जगह का, जहाँ जाते हैं बता के नहीं जाते हैं। हम लोग अभी बताना छोड़ दिए क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है वहां से निकलने में। एक इवेंट था हम लोग का अहमदाबाद में, तो उस इवेंट में हम लोग को बताया नहीं गया था कि मैनेजमेंट क्या है कैसा नहीं, फर्स्ट इवेंट था हमारा। तो मैंने एक वीडियो बनाया था होटल में इवेंट से पहले, तो उस इवेंट वाले से मेरी बात हुई थी, तो इवेंट वाले ने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1100-1200 लोग है इवेंट के लिए आए हैं, पासेस बिके इतने और ज़्यादा लोग नहीं है। तो मैंने एक टिकटॉक पे मतलब इवेंट में जाने से पहले एक टिकटॉक पे एक वीडियो बनाया था जिसमें ना दरवाजे पे होटल का नाम आ गया था। ओके। तो होटल के नीचे 2000 लोग खड़े थे, तो मैंने स्नैप बनाया था, मैं आपको दिखाऊंगा।
2000 से ज्यादा लोग आ गए थे. हम लोग पुलिस हम लोग ने बुलाया नहीं थे, पुलिस खुद आई थी प्रोटेक्शन देने. अच्छा। इतने इतने लोग आ गए थे, मतलब क्राउड इतना आ गया था. और जो कार थी ना उसमें इतने इतने छेद हो गए थे बाइक के हैंडल से कि प्लीज रुक जाओ, एक फोटो एक फोटो एक फोटो. जब इस तरह का स्टारडम देखा, वो इमोशनल मोमेंट क्या था? इमोशनल मोमेंट जब उस तरह का हो रहा था, चारों तरफ वो भीड़ दिख रही थी, जो खुशी हो रही थी. आपको डायरेक्टली जानते भी नहीं थे, लेकिन आपको सिर्फ काम से आपके चीजों से जानते थे और अब वो आपके सामने थे. किसी के लिए भी एक कमाल का मोमेंट है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट. बहुत बहुत खुशी होती है सर ये देख के कि मतलब इतना लोग मतलब पसंद कर रहे हैं हम लोगों को. लोगों को अंदर हमारे कुछ दिख रहा है इतना अच्छा अच्छा कि मतलब हर जगह से प्यार ही प्यार है. अब आगे क्या प्लान है आपके? आगे प्लान तो यही है, चल रहा है सर, चल रहा है. तो अभी जो चल रहा है उसी को एंजॉय कर रहे हो या कुछ वाकई सोचा है कि अब आगे आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे, मूवीज में जाओगे? अभी सर बिग स्क्रीन पे दिखना है मुझे. बिग स्क्रीन पे लोगों का. हाँ, तो मेरे कमेंट्स में जैसे अभी 12,000 13,000 10,000 कमेंट में ना 9,000 8,000 कमेंट ये रहता है कि जल्दी आप बॉलीवुड में आने वाले. वेरी गुड, वेरी गुड. तो पहले से लोग तय कर चुके हैं, तो वाकई आप एक दिन दिखोगे भी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें समझ में आई कि अगर आप यंगस्टर कुछ भी करना चाहते हैं, आपको जो अच्छा लगता है बस वो करना शुरू कर दीजिए, फिर कहीं ना कहीं सक्सेस आपको जरूर मिलेगी. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. यू वेलकम सर. तो ये देखो, आप समझिए अगर आप अपडेटेड हैं, जिस चीज़ को आप मस्ती समझते हैं उसको भी अगर आप प्रोफेशनली करेंगे या सोच समझ के करेंगे, अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख के करेंगे, तो वहाँ पर भी करियर बन सकता है. दूसरी बात, जो भी प्यार मिल रहा है उसको समझ के अपने आप को अपडेट कीजिए, उस तरह का कंटेंट बनाइए जो कि आपकी अपनी ऑडियंस को पसंद है. प्यार अपने आप बढ़ता जाएगा, इसी तरह से बढ़ता है.